वेलकम बैक एवरी वन इन क्लास थर्ड यूनिट नंबर 14 मनी इज गोइंग ऑन इन अवर लास्ट वीडियो वी डिड एक्सरसाइज 14D सो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 14E ये क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है हमें मनी के ऊपर ओके तो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करता हूँ मेक ए बिल हमें एक बिल बनाना है जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं ना वो हमें एक बिल बना के देता है तो उसमें क्या क्या है उसमें टी की कॉस्ट कितनी गिवन है हमें रुपीस 40.50 ओके रुपीस 40 हैं और 50 क्या है इसमें पैसे हैं शुगर कितने में है रुपीस 39.50 और मिल्क कितने में है रुपीस 22 में तो उसका एक बिल बनाना है तो बहुत ईजी है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप सॉल्यूशन तो सबसे पहले क्या करें बहुत सिंपल वे में सबसे पहले टी लिख दीजिए टी कितना है टी इक्वल टू रुपीस 40.50 हम सब जानते हैं ये रुपीस होते हैं और ये पैसे होते हैं चाहे तो आप रुपीस अलग और पैसे अलग करके लिख दीजिए या सबको एक साथ करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप ओके बीच में बस पॉइंट आना चाहिए इसके बाद है आपका शुगर शुगर की कॉस्ट कितनी है शुगर है आपका रुपीस 39.50 ओके मिल्क कितने में है रुपीस 22 ओके देखो इसमें पैसे गिवन नहीं है पैसे क्या है 00 हो जाएंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और इसकी जगह क्या कर देंगे हम वहां पर 0 लगा देंगे ये 22 इधर मत पहुंचा देना पॉइंट के बाद वरना गलत हो जाएगा पैसे कितने हैं 00 कर देंगे हम पॉइंट के नीचे पॉइंट अब इसका टोटल कर दीजिए टोटल इक्वल टू क्या करना है इसको सिंपल ऐड कर दीजिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए ओके अब इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या करें हम सिंपल जब टोटल करेंगे अब ये सब अलग है मैं एक काम करता हूँ टोटल सबको अलग अलग करके लिख देता हूँ एक बार है ना ये रुपीज़ है 40.50 ओके फिर है आपका रुपीज़ 39.50 फिर है आपका रुपीज़ 22.00 अब लगा दीजिए आप प्लस का साइन ओके ऊपर भी प्लस का साइन लगा दीजिए अब इन सबको ऐड कर दीजिए टोटल कर दीजिए इसका देखो जीरो में को जीरो जीरो में ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा 5 + 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा जीरो से कोई चेंज नहीं होने वाला तो 10 का क्या आ जाएगा 0 और 1 चला जाएगा यहाँ पर सॉरी ऊपर कैरी ओके अब क्या करना है यहाँ पर कैरी चला जाएगा ओके अब क्या करना है हमें देखो पॉइंट आ रहा है सबके नीचे 2 डिजिट के बाद तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पॉइंट ही आ जाएगा अब क्या करना है 9 + 2 कितने 11 प्लस 0 से तो चेंज नहीं होगा लेकिन 1 क्या है हमारा कैरी भी है तो कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1 ओके 4 + 3 कितने हो गए 7 + 2 कितने हो जाएंगे 9 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे 10 ये आ जाएगा 0 यहाँ पर और 1 आ जाएगा अलग से और ये कितना आ जाएगा आपका रुपीज़ 102.00 ओके 102 रुपीज़ आ चुके हैं और पैसे कितने हैं 00 ओके ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमने क्या किया बिल बनाया है इसका चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है अजदर बॉट अ टी शर्ट फॉर ₹375 अजदर ने एक टी शर्ट खरीदी कितने रुपीज में 375 रुपीज में ही गेव अ 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर उसने 500 रुपीज का एक नोट शॉपकीपर को दे दिया दुकानदार को तो हाउ मच मनी डिड द शॉपकीपर रिटर्न तो शॉपकीपर उसे कितने पैसे वापस देगा कितने मनी उसको वापस करेगा ओके तो क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ अ टी शर्ट कितनी है
375 ओके। इसके बाद ही गेव मनी टू दी शॉपकीपर हाउ मच रुपीज 500 ओके। सो द शॉपकीपर शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा शॉपकीपर रिटर्न। अब क्या करेंगे इसमें से हम 500 में से 375 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे, ये है आपका रुपीस 500, फिर क्या है आपका रुपीस 375, इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। देखो जीरो में से तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे इस 5 से लेंगे हम बोरो, ये बन जाएगा आपका 10, ये बन जाएगा आपका 9, ये रह जाएगा आपका 4। 10 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर 5, 9 में से जब 7 को करेंगे 2, 4 में से जब 3 को करेंगे 1। रुपीस 125 क्या करेगा शॉपकीपर, उसे रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा ओके। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जतिन बॉट 6 पेस्ट्रीज फॉर रुपीस 15 ईच, हाउ मच डिड ही पे। जतिन खरीदता है 6 पेस्ट्रीज रुपीज 15 ईच, इसका मतलब क्या है, हर पेस्ट्री की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज है ओके। तो टोटल कितनी पेस्ट्रीज खरीदता है, 6, तो पूछ रहा है तो उसने कितने पे किए, कितने पैसे दिए उसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पेस्ट्री की कॉस्ट लिखेंगे, लिखिए दी कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्रीज कितनी है, रुपीस 15 है ओके। तो आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 6 पेस्ट्रीज। क्या करेंगे हम, रुपीस 15 से 6 की मल्टीप्लाई करा देंगे ओके। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कराएंगे तो रुपीस आपका ऊपर आ जाएगा और 15 आपका नीचे आ जाएगा, 6 से करा दीजिए, या तो आप सीधा भी लिख सकते हैं 15 6 जा कितने होते हैं 90, या आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 90 ओके, 90 रुपीस आ जाएगा। तो इसका मतलब उसने कितने पेस किए, ही पेस रुपीस 90 ओके, 6 पेस्ट्रीज के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 ओके। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, माला गोट रुपीज 360 बाई सेलिंग 6 ऑफ हर लार्ज फ्लावर पॉट्स फॉर हाउ मच डिड सी सेल ईच पॉट। देखो माला जो सेल करती है फ्लावर पॉट्स होते हैं ना बड़े बड़े, उसने 6 बेच दिए हैं, कितने में, रुपीज 360 में। तो ये पूछ रहा है कि हर पॉट की कॉस्ट कितनी होगी, तो क्या करेंगे हम, रुपीज 360 में 6 से डिवाइड करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो कैसा था, प्लस वाला था, ऐड करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिवाइड करेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए द कॉस्ट
ऑफ सिक्स फ्लावर पॉट्स। हाउ मच? रुपीज 360। ओके, अब आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन फ्लावर फ्लावर पॉट। अब क्या करेंगे, रुपीज 360 में आप डिवाइड करा दीजिए किससे, सिक्स से। ओके, अब कैसे करेंगे, रुपीस आपका ऊपर आ जाएगा। ओके, डिवाइड की फॉर्म में लिख दीजिए सिक्स 360। ओके, तो देखो थ्री तो छोटा हो रहा है तो हम सिक्स को भी लेंगे एक साथ, तो 36 बन जाएगा। तो सिक्स सिक्स जा 36। ओके, इसको क्या, ये जीरो, ये जीरो। अब हमने ऊपर से लिया जीरो को। ओके, अब हमें पता है जब जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम आता है, जीरो टाइम आता है, और आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। ओके, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर हमारा, रुपीज 60। ओके, रुपीज 60 आ चुका है आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, उसने हर पॉट कितने में बेचा, 60 में। तो आप लिख दीजिए ईच पॉट कॉस्ट 60। ओके ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ का ही मिक्सअप है, यही क्वेश्चन उसमें रिपीट होगा, किसी में डिवाइड होगा, किसी में मल्टीप्लाई होगी, किसी में प्लस होगा, किसी में सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, वो आप अपनी खुद रफ नोटबुक पे करके देखेंगे। ओके, इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।